हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे मलाईदार साबूदाने की खीर। तो आप यहाँ पे खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, खीर बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस खीर को व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो आज हम इसे थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो साबूदाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक गाजर, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। साथ में लिया है आधा कप साबूदाना, जिसे मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धुल लिया था और उसके बाद 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और साथ में मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। फुल क्रीम दूध में खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब हम साबूदाने की खीर। तो साबूदाने की खीर बनाने के लिए आप किसी भी भारी तले वाले बर्तन का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खीर को कढ़ाई में बना रही हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच देसी घी। यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इसे इन्हें मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी घी में। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और ये जो बचा हुआ घी है, इसे में हम गाजर को भी भून लेंगे। तो गाजर को हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। और गाजर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खीर में। वैसे गाजर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी इस तरह से खीर नहीं बनाई है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे गाजर भून चुका है, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है दूध। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध का यूज किया है और फुल क्रीम दूध से खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो लगातार हम दूध को चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे चलाते रहना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दूध उबलने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने साबूदाना भिगो कर रखा था, और ये भिगोने के कारण बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो साबूदाना मैंने इसमें ऐड कर दिया है, फिर से हम इसे चलाएंगे। तो साबूदाना डालने के बाद हमें इसी तरह से लगातार खीर को चलाते रहना है ताकि खीर तले में ना चिपके। और मुश्किल से 3 से 4 मिनट में खीर पक जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। और गाजर के कारण हमारे खीर में नेचुरली मिठास भी आ चुकी है। तो ये 1 कटोरी खीर मैंने बिना चीनी की निकाल ली है। आप चाहें तो इस खीर को बिना चीनी के भी खा सकते हैं, ये बहुत हल्की मीठी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1/4 कप चीनी इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक और पका लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी खीर तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो थोड़े खड़े खड़े भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी मलाईदार खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे व्रत में खाइए या ऐसे बनाकर खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए इलायची और केसर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए, रबड़ीदार मलाईदार हमारे साबूदाने की खीर। आप यहाँ पे खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, खीर बहुत ही टेस्टी बनी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, यूजफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।